पेपर में डाल दिया था। अच्छा अच्छा नमस्कार सभी जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हो आप, थलकाणी माता मेला जो जयपुर के पास में लगा हुआ है वहीं पे मैं आया हुआ था और एक बहुत ही अच्छा ऑस्ट्रेलियन मैं कहूँगा नुकरा एकदम वाइट ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से पूरे मेले में छोटा सा मेला लगता है, इसमें सबसे खूबसूरत और एंटिक ऑस्ट्रेलियन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही है। और बात करते हैं इनसे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शौकत अली सर। शौकत अली इनका नाम है, कहाँ से हो आप? सर हम जयपुर से ही है, थलकाणी माता जी के यहाँ। अच्छा यहीं से हो? हाँ जी। अच्छा जहाँ ये मेला लगा हुआ है इसी जगह से हो? ओके। तो इस मेले का ये मेला तो काफ़ी पुराना भरता है वैसे देखा जाए तो? हाँ जी सर, हमारे बड़े बूढ़े तक ही इस मेले को देखता रहे। पहले कुछ टाइम में तो ये गधों का था, बाकी हम लोग जैसे एक एक दो दो घोड़े लाने लगे तो गधे तो हो गए कम, और आजकल फिर ये घोड़ों की वजह से अब घोड़ा थलकाणी माता जी गधों का मेला था, जो अब इसको घोड़ों का मेला कर दिया, घोड़ों का मेला कर दिया गया है। गधे तो हो गए बिल्कुल खत्म इसमें, बिल्कुल गधे तो अब नॉर्मल ना दो चार आते हैं, अब तो कोई नाम के ही दो चार आते हैं, नहीं तो पहले कभी घोड़े ही नहीं आते थे। ये मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मेला है आपके यहाँ जयपुर के नोकल है और आसपास के जो किसान हैं अपने घोड़े बेचने आते हैं, ये मेला मेरी तरफ से तो एक तरह से थोड़ा सा प्रमोट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, व्यापारी भी खूब आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आते हैं। और मेला तो साहब लगना चाहिए, वरना आपको पता है अभी सभी मेले कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो अब बीमारी ऐसी चल गई सर, वायरस जो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो इस घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम सर बादल है। बादल? ओके। कितनी उम्र का है ये? अभी सर ये 28 महीने का। 28 महीने का? बिल्कुल। मतलब अदंत में ही है ये तो? अभी यहाँ दांत कर रहा है ये, मानो दो दांत अभी कर रहा है ना, तो 28 मंथ का है ये। जी सर। ओके ओके। क्या नाम बताया? बादल। बादल ठीक है। और क्या है इसकी डिटेल, कोई मदर फादर की तरफ से है? नहीं सर, इसके मदर फादर के तो ये मैंने अभी 11 महीने का बच्चा लिया था। अच्छा, खेड़ला से, केदारनाथ। अच्छा खेड़ला से, 11 महीने का बच्चा लिया था? 11 महीने का लाया था, बहुत छोटा था। तो इसके इसका जो माँ बाप है उसके बारे में नहीं आइडिया आपको? हाँ सर, उसका कोई आइडिया नहीं। इसकी माँ का था, इसकी माँ इसको 1.25 महीने का था, इसकी माँ मर गई थी, खत्म हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ना बादल मान बेटा, 1.25 महीने की थी तब खत्म हो गई थी। हाँ, जो इस जिसके पास ये जन्म है उसने ये केदार खेड़ला वाला उनको बेका है, मैं उससे लेकर आया था इसको 11 महीने। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ ये तो बच्चा, एक बात है सर। हम अब हम तो मेरे उससे नहीं कहूँगा, यहाँ के जो बाकी लोग देख रहे हैं इसको, और जैसे इसके उम्र का पोजीशन बिल्कुल कम उम्र का बच्चा है, और 63 प्लस में है, माइनस में नहीं है, 63 प्लस है। हाँ, मतलब है ना? बिल्कुल सर, 63 प्लस है। इसका जो एरिया में जो बताने वाले हैं, मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं घूमता नहीं इतना ज्यादा। सही है। मुझे इतना इसका सिर्फ पालने का शौक है मुझे। अच्छा। ना कोई किरोसिन से मतलब है, ना कोई लाइन से मतलब है। बिल्कुल सही है। तो बाकी अब लोग बात कह रहे हैं कि यहाँ से जयपुर से आप अजमेर तक चले जाओ या फिर इधर दौसा बस्सी अपने एरिया में, मतलब अच्छा बिल्कुल ऐसा घोड़ा, इसकी उम्र की टक्कर, इसकी उम्र की टक्कर का घोड़ा भी नहीं है, घोड़ा नहीं, और एकदम स्पॉटलेस है। मतलब ये एक कहीं भी दाग नहीं है क्या इसके? नहीं सर, एक हल्का सा नीचे है, वो भी एक बीड़ी के जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी 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 कहीं भी नहीं है ना? बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया है ना। और कान भी बहुत सुंदर है इसके। हाँ। कुंडीदार है इसका, एक्चुअली रियल मालिक है सुमित जैन। सुमित जी जैन कहाँ के? वो अपने यहाँ की हैं, लुनियाबास के ही, उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री है, जो उन्होंने एक शौकीन ही तरीका से उन्होंने पाल रखा है। ओके ओके ओके। उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस है, बड़े हैं, बहुत अच्छे से हैं घराने से। कुल मिला के देखो साहब, कोई भी हो लेकिन घोड़ा आपका बहुत ही अच्छा है और लेंथ भी अच्छी है घोड़े की, और अभी अदंत में ही है, दांत भी इसने नहीं तोड़े हैं, और सवारी भी अभी इस पे इतना ज्यादा हमने चालू नहीं करा, बैठना है सवारी में, चालू नहीं इसकी, अभी हमने क्रॉसिंग करी है इसकी, ब्रीडिंग भी नहीं करवाई अभी तक। बिल्कुल नहीं अभी। ठीक है, बाकी अब दशहरा बाद में हमारा प्लान बन रहा है कि हो सकता है क्रॉसिंग हम इससे करा दे, ब्रीडिंग स्टार्ट करोगे मतलब है ना। तो बहुत अच्छी बात है आपके आसपास के ऐसे यहाँ पे भाइयों के लिए है। मान लो कि अभी मान लो कि मेरा घोड़ा अच्छा, मैं क्यों आपसे आप इस पे न्यूज में चला रहे हो कि मैं क्यों, मेरा तो मैं 21,000 लूंगा और मैं 1,00,000 लूंगा। बिल्कुल सही बात, किसान भाइयों की वजह से हमने नॉर्मल से नॉर्मल 11,000 रुपए रेट रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, घोड़ा कहीं जाएगा नहीं, ये यहीं पे ही क्रॉसिंग करेगा। बहुत बढ़िया घोड़ा है, यहाँ के आसपास की ब्रीडिंग सुधरेगी, कुल मिला के अच्छा घोड़ा है नुकरों में। इसको अबलग घोड़िया और अगर नुकरी घोड़िया, स्पॉटलेस नुकरी घोड़िया मिले या कैसे भी घोड़िया मिले तो अच्छा एक रिजल्ट आने के होंगे, अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छी सोच है आपकी मानो या आपके मालिक उनकी मानो सुमित जी की, कि ब्रीडिंग फीस है जो नॉर्मल रखी हुई है, बहुत अच्छी घोड़ी। बादल इसका नाम हो गया ना? बिल्कुल। आगे इधर भी एक बच्ची खड़ी है, इधर इधर आए, इसके साथ में एक मंदिर आने के लिए ये जोड़ा लाए। अच्छा अच्छा अच्छा,
और ये भी एक अभी 11 महीने के बच्चे हैं। ये बच्चा है क्या? ये बच्ची है। अच्छा अच्छा ये बच्ची है ना? ये बच्ची है। ठीक है। और ये काला बच्चा है, ये दिलबाग का पोता है। दिलबाग का पोता हो गया ना? विजय दो जिसका बाप है। विजय दो जी ये चुई वाला? हाँ जी ये लाइन वाला। नागौर चुई वाला ना जी सर। लाइन का है ये? लाइन का बच्चा। विजय दवज का बच्चा हो गया ना? हाँ जी। खूबसूरत है साहब, बढ़िया बच्चा। और ये बच्ची? ये भी हमने अभी यहाँ इसे ली। अच्छा, इसी में अभी छोटी सी लाए थे, इसको भी हमें ये करीबन 1.25 महीने की थी जब छोटी दूध पीती आई थी, बहुत छोटी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कपी, ए कपीराज, क्या नाम रख रखा है इसका? उसका नाम कपीराज है। कपीराज। और ये काजल है, इसका नाम काजल है ना? और वो बादल हो गया। बादल। आपके एक बार मोबाइल नंबर बता दो ना। हाँ, मेरे मोबाइल है 9001955724। ओके भैया। नहीं सर, ये कुछ उसे कहता नहीं है, बहुत अच्छा माइंड का, बहुत अच्छा माइंड का, फैमिली होस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग टेम्परामेंट का अच्छा है, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठंडा एकदम दिमाग का है। और बात ये जैसे लोग बाग और सबको मारते हैं या ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आवाज से ही काम करता है, सारे ही आवाज से। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें ऐसे जैसे लोग। तो आप ट्रेनर हो गए इनके? हाँ, इसका ही मैं मतलब ट्रेनर हूँ, पर्सनल मैं ही इनको शुरू से बाहर। ओके ओके। हमने अभी कोई ट्रेनर इसके लिए रखा नहीं, हम ही इसको सारे मतलब बचपन से सेवा आप ही कर रहे हो? बिल्कुल, ट्रेनिंग ही हम दे रहे हैं इसके। चलो, अच्छे सेवा किया आपने, बहुत सुंदर घोड़ा है साहब। आप चलो आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो ओके भैया।